क्योंकि हमारे जो पापा है वो अब जाने वाले हैं। तो गाइस पापा चले गए हैं ट्रेन, ठीक है, खुल चुका है, देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं 11:45 और आज है 27 तारीख। और गाइस आज का जो दिन है, ठीक है, हमें आज अच्छा नहीं लग रहा। पता है क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारे जो पापा है वो अब जाने वाले हैं, फिर से बाहर जाने का टाइम आ गया है। कि जैसे कि आपको बताया था, हमारे पापा बाहर ही काम करते हैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए, हमारे पापा बाहर काम करते हैं पंजाब साइड में। तो अब दोबारा जाने का टाइम आ गया, ऐसे एक महीने के लिए आए थे हमारे साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, हॉलीडे बिताने, और बहुत अच्छा लगा हमें साथ में। मतलब हमेशा मज़ा आता है, और जब भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बाहर ही उनका काम सारा होता है सेटल, तो इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, तो अब उनको वापस से बाहर जाना पड़ रहा है। और अभी 2-3 महीना रह चुके हैं, है ना, 2-3 महीने से यहीं पे थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, एक दो व्लॉग में देख लिया होगा, एक दो क्या, आपने बहुत सारे व्लॉग में पापा को किसी ना किसी तरीके से तो देखा ही होगा, ठीक है। और इसके बर्थडे वाले व्लॉग में तो अच्छे से ही देखा, आपने दोनों का देखा, मम्मी का भी देखा, पापा का भी देखा। तो कभी आपको पर्सनली बढ़िया से मिलवाएंगे, लेकिन अभी कैमरे के आगे आने के लिए उतने तैयार नहीं है। तो चलो यार ब्लॉग को शुरू करते हैं। और जहाँ अभी पापा को छोड़ने के लिए जाना स्टेशन वगैरह, तो वो भी आपको दिखाएंगे। आज थोड़ा सा अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो, ठीक है। और एक और बात, आप लोग यार आजकल ब्लॉग को पूरा क्यों नहीं देख रहे यार? गलत बात है, ठीक है, पूरा देख लिया करो। हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं, तो थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं सब्सक्राइब कर लेकर, उससे होगा क्या ना कि हमारा ब्लॉग आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं पापा का छोड़ने के लिए, टेम्पो पकड़ने जा रहे हैं, घर से निकल गए हैं, ठीक है, ऑटो पकड़ेंगे और जाएंगे और पापा को छोड़कर ट्रेन में बैठा कर आना है। और उनका यात्रा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, मतलब 3 दिन लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो जा रहे हैं छोड़ने के लिए, अच्छा तो ज़रा भी नहीं लग रहा, लेकिन चलते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम वहीं पर सेटल है। तो चलो कंटिन्यू बने रहो, आगे मम्मी पापा भी जा रहे हैं और पीछे से हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग स्टेशन आ चुके हैं, और कहाँ पे आए ये तो आपको नहीं बता सकते हैं। हाँ, हम लोग ऑटो से आए हैं स्टेशन, ठीक है, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आए हैं ऑटो से, और स्टेशन काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है। और यहीं पे पापा को बैठाने के लिए आए हैं, यहीं पे पापा की मेन गाड़ी आने वाली है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आप लोग कंटिन्यू बने रहो। तो गाइस स्टेशन में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन कब आती है। देख सकते हो पूरा स्टेशन अभी भरा हुआ है, वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, और देखते हैं ट्रेन आने का टाइम होगा, अभी 1 या 1.5 घंटे में ट्रेन भी आ जाएगी। तो कंटिन्यू बने रहो आप लोग, वहाँ पर देखो क्या जा रहा है, आपको दिखा देता हूँ। कितने देख सकते हो कितना मस्त मस्त सी ट्रेन से जा रही है, ठीक है, थोड़ा और जम करना होगा, काफ़ी मस्त सा लग रहा है, ठीक है, काफ़ी दूर चला गया अब, मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। तो गाइस पापा चले गए हैं ट्रेन, ठीक है, खुल चुका है, देख सकते हो, और पापा जा चुके हैं, बैक कैमरा करके दिखा देते हैं, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, गाड़ी खुल चुका है और जा चुके हैं, पापा को हमने चढ़ा दिया गाड़ी में और ये चली गई। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन चली गई गाड़ी अब। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और ये नेक्स्ट डे है, और कल आपने देखा कि हम लोग कल पापा को छोड़ने के लिए गए थे, और कल हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि छोड़ने के बाद थोड़ा सा इमोशनल सा मन हो गया था, ठीक है, अंदर से कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए हमने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन जाना तो था ही, आखिरकार चले गए, नहीं तो काम कैसे होगा फिर, नहीं तो क्योंकि उनका पूरा काम बाहर ही सेटल है, इसलिए यहाँ पे वो नहीं रह सकते। तो चलो यार अब व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं व्लॉग कहाँ तक चलता है। और अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, अभी प्रोजेक्ट भी बनाना है। हाँ, तो आज भी आज प्रोजेक्ट बनाएंगे और मेन चैनल पर अपलोड करेंगे। आजकल मेन चैनल पर आप लोग बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी मेन चैनल का फर्स्ट पेमेंट हमारा अटका हुआ है, पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, ये सब मैं आपको अभी इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, जो होगा अगले व्लॉग में बताऊँगा, आपको खोल के बताऊँगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि वो अगला टॉपिक है, ठीक है, व्लॉग का थंबनेल में, फिर इस थंबनेल में कुछ और लगेगा, उस थंबनेल में कुछ और लगेगा, तो उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी, अलग से एक व्लॉग अगला आएगा, तो उसमें आपको बताऊँगा क्या हो रहा है हमारे पेमेंट के साथ, लगता है बहुत कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब कंटिन्यू बने रहो, चलते हैं हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, और साथ ही आपको भी बीच बीच में कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स हम प्रोजेक्ट ही बनाने जा रहे थे, और बाद में पता चला कि हमारे शोल्डिंग वाली वायर है,
वो खत्म हो गई है। तो सबसे पहले उसको लाना पड़ेगा, फिर प्रोजेक्ट बना पाएंगे। हाँ, इसलिए अब उसको जाना पड़ेगा लेने के लिए। और अभी फर्स्ट ही प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, तभी शोल्डिंग वायर का पता चला कि खत्म हो गई है और उसका काम भी है प्रोजेक्ट में। इसलिए पहले जाते हैं बाजार लेकर आते हैं और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रास्ते में हैं और जा रहे हैं अभी शोल्डिंग वायर को लेने के लिए। हाँ, जा रहे हैं और मार्केट बगल में, इसलिए छोटी छोटी चीजें ऐसे ही लेने के लिए चले जाते हैं। बहुत सामने ही पड़ता है, उतना भी सामने नहीं पड़ता लेकिन है बगल में। हाँ, तो चलिए आप मिलते हैं अभी लेके। तो ले, हमने ये खरीद लिया है, ठीक है। और पता है कितने के मिले? 25 रुपए। रेट बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है, पता नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इससे पहले हम ले गए थे 20 रुपए का, 7 दिन बाद लेने के लिए गए 25 रुपए। इस बार जाएंगे तो 250 रुपए का ना हो जाए। दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये महंगाई को और कॉम्पोनेंट्स इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक के, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। ये मुश्किल से 10 रुपए का आपको मिल जाता होगा, है ना? इसके अंदर कितना होता होगा, इतना सा होता है बस। नहीं, वही वाला वायर है, शोल्डिंग वाला। तो चलो कंटिन्यू बने। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अब हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो बनाना शुरू करते हैं। नाइक्रोम वायर तो ले आए, ठगा के यहाँ पे ब्लेड भी ले आए हैं, ठीक है। ब्लेड ये सब आज के प्रोजेक्ट में काम आने वाला है और ये प्रोजेक्ट आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि आज तो ये वाला ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। हाँ, ये कल का पेंडिंग ब्लॉग अभी तक। हाँ, तो आज इसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही प्रोजेक्ट का वीडियो भी कंप्लीट करेंगे और कल फिर आराम से अपलोड कर देंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। और पता नहीं आज मन नहीं कर रहा, आज बहुत लेजी सा महसूस हो रहा है, सोने का मन कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बनाना शुरू करते हैं। आप लोग कंटिन्यू बने रहो। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है बन चुके हैं और इसी को बनाने में पूरा 1 घंटा लग गया, काफी टाइम लग गया। और आज हम थोड़ा धीरे धीरे काम कर रहे हैं, अब सेकंड नंबर की तरफ चलेंगे। आज थोड़ा आलस आलस सा आ रहा है और दिन भी ढलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं आज वीडियो कितनी देर तक बनती है। आज अगर कंप्लीट हो गई तो कल तो अपलोड हो ही जाएगी, और अगर आधी भी बन गई तो कल तो कंप्लीट हो ही जाएगी, ठीक है। तो चलो आप लोग कंटिन्यू बने रहो, तब तक हम जल्दी से सेकंड नंबर बनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है, अभी 4:44 और अभी हम इस ब्लॉग को एंड करने जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं हम लोग अभी, और तो देखो बहुत मुश्किल से प्रोजेक्ट से फ्री हुए थे। हाँ, प्रोजेक्ट 4 बजे फ्री हुए और 4 बजे इनका पढ़ने का टाइम हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ा रहे हैं। और चलो अब एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग अप्रोक्सिमेटली 7 से ऊपर ही हो गया होगा, ठीक है। और आज ही एडिट करके अपलोड करेंगे ब्लॉग को, ज्यादा टाइम तक मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना। तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।